मिसिंग नंबर और मिसिंग नंबर, मतलब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि दोस्तों टाइम कम है और उससे ज्यादा दोस्तों इसे सॉल्व कैसे किया जाए ये टेंशन बढ़ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसके बाद दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों ये सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके हम, देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि सॉल्व कैसे करें इसे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर के पैटर्न को समझना होगा। आप देखोगे यहां पर 23 दिया है, यहां पर 19 दिया है, बहुत बड़े नंबर है। लेकिन आप ऊपर देखोगे तो छोटे नंबर दिए हुए, मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों ये 4, 3, 5 इन तीनों नंबर को मिलाकर ही 23 लाया होगा। तो देखते कैसे आया होगा। तो देखोगे यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, तो 4, 3 से मैं 12 कर लेता हूं, और यहां पर 5 है तो 12+5 करूंगा तो 23 नहीं आएगा, कुछ और लॉजिक लगाना होगा। तो ध्यान दो कि मल्टीप्लाई करके देखता हूं मैं, तो यहां पर 4, 3 जा 12 और 12, 5 जा 60, 23 तो नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तो काम करता हूं 4 मल्टीप्लाई 5 करता हूं मैं, तो 4, 5 जा 20, ठीक है, और यहां पर 3 दिया है तो यहां पर +3 कर लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 23 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही लॉजिक को यहां पर यूज करके देखता हूं मैं, तो अब देखोगे यहां पर 5 और यहां पर 3 है, तो 5, 3 से कितना होगा दोस्तों, 15 होगा। यहां पर 4 दिया है तो मैं +4 करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 19 मिल जाएगा। इतना क्लियर? तो यही दो लॉजिक से ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये फाइंड करेंगे हम लोग। तो यहां पर देखोगे 6 मल्टीप्लाई में 3 करूंगा तो 18 मिलेगा, ठीक है। यहां पर 2 दिया है तो +2 करूंगा तो मुझे मिलेगा 20 मिलेगा। देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 20 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों सेम पैटर्न में आपके लिए और एक क्वेश्चन देता हूं मैं। देखिए ये क्वेश्चन लेके आया हूं, इसे प्रैक्टिस पर्पस समझिए, ठीक है, कि पहले जो करवाया है वही चीज इसमें है लेकिन अलग ढंग से होगा। तो देखोगे दोस्तों यहां पर देखोगे 4, यहां पर 9 और यहां पर 8 दिया है, यहां पर 44 है और यहां पर 27 है। तो कुछ ना कुछ तीन नंबर से ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे 44 आ गया होगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर 4 मल्टीप्लाई 8 करोगे तो 4, 8 जा 32 और 32 प्लस 9 44, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्रॉस लॉजिक लगाना होगा। तो यहां पर 4 मल्टीप्लाई बाय 9 करता हूं मैं तो 36 मिलेगा, ये 8 को मैं प्लस कर लूं यहां पर तो 44 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी चेक कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 होगा, और दोस्तों यहां पर 6 दिया है इसे प्लस कर लीजिए तो आपको 27 मिल जाएगा। तो यही सेम लॉजिक से ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो हम नंबर फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखोगे 8 मल्टीप्लाई 2 16 हो गया, यहां पर +4 करूंगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 20 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन सी आपके लिए राइट आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के साथ साथ मिसिंग नंबर के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, देखिए इस तरह के। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, तो आज सब मैं सिखाऊंगा दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो आप देखोगे दोस्तों बीच में देखोगे 38 है, यहां पर 56 है और यहां पर क्वेश्चन मार्क है, राइट। अब दोस्तों आपको ये चीज आपको क्लियर करना होगा कि भाई ये 4, ये 9 और 6 बाहर के तीन नंबर से ही कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिससे 38 आया होगा यहां पर और यहां पर 56 आया होगा, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं मैं, तो यहां पर 4, यहां पर 9, तो 9, 4 से कितना होगा, 36 होगा, और यहां पर दोस्तों मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे या +6 करोगे तो 38 तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, और लॉजिक लगाएंगे, हम एक काम करते हैं तीन नंबर को प्लस करके देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर देखोगे 9 + 6 कितना होगा दोस्तों, 15 होगा, और 15 + 4 कितना होगा दोस्तों, आपका 19 होगा, ठीक है, 19 आ गया। लेकिन 38 लाना है, लेकिन 19 का डबल करोगे दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा, 38। डबल मतलब क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो 38 आ गया। यही लॉजिक को यहां पर यूज करके देखता हूं मैं, तो यहां पर 11 + 9 कितना होगा दोस्तों, 11 + 9 20 हो जाएगा, और 20 + 8 कितना होगा, 28 होगा। डबल कर दीजिए इसे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए तो यहां पर देखिए 56 आ गया है। तो सेम लॉजिक यहां पर यूज होगा। तो यहां पर देखोगे 11 दिया है, 11 + 12 और +13 कर लूंगा मैं, 3 + 2 = 5, 5 + 1 = 6 आ गया, और यहां पर 3 यहां पर आ गया, 36 आ गया, राइट। अब 36 को दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, डबल कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो क्या मिलेगा, 72 मिलेगा, मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 72 आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन और एक पैटर्न के साथ, देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए, ऊपर 2 नंबर दिए हुए हैं और नीचे देखोगे यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको क्या नंबर फाइंड करना है ये आपको पता करना है।
तो यहां पर 4 है, यहां पर 9 है। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि काम करते इन दो को प्लस कर लेते हैं, तो 4 प्लस 9 कितना होगा, 13 होगा, और 16 लाना है तो प्लस 3 करूंगा तो 16 मिल जाएगा। सबसे पहले यही लॉजिक दिमाग में आता है, ठीक है। तो यहां पर देखो कि 1 प्लस 4 कितना होगा, 5 होगा, और यहां पर 5 को 9 में लाना होगा, बदलना होगा, तो प्लस 4 करना होगा तभी होगा, लेकिन यहां पर 3 प्लस हुआ, यहां पर 4 प्लस हुआ, तो यह दिमाग में आ गया, तो आगे क्या होगा, प्लस 5 होगा, ठीक है। तो कर लेते, देखिए यहां पर 16 प्लस 9 कितना होगा, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25, ठीक है, 25 आ गया। यहां पर 3 प्लस किया, यहां पर 4 प्लस किया, यहां पर 5 प्लस करोगे तो यहां पर 30 आएगा। ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, पर लॉजिक फेल हो गया। ऐसा भी होता है दोस्तों एग्जाम के अंदर कि लॉजिक आप सेट करते जा रहे हो लेकिन ऑप्शन मैच नहीं होंगे, तो ये लॉजिक फेल हो गया, ये लॉजिक बिल्कुल फेल हो गया, कोई और लॉजिक लगाना होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों यहां पर कि ये 4 दिया है और ये 9 दिया हुआ है, 16 दिया है, तो ये सब नंबर कुछ परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, राइट। तो यहां पर देखो कि 4 है मतलब 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है, 9 दिया है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, ये 4 का स्क्वायर क्या है, 16 होगा। मतलब क्या किया दोस्तों यहां पर, 2, 3, 4 ये सबका स्क्वायर करते जा रहे, राइट, मतलब लाइन टू लाइन देखिए 2, 3, 4 यहां पर क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर, यहां पर क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर, यहां पर क्या हो रहा है, 3 का स्क्वायर, मतलब 1, 2, 3 ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहां पर देखो कि 9 दिया है तो मतलब 3 का स्क्वायर, ये 16 है मतलब 4 का स्क्वायर, 3, 4 आगे कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5, 5 = 25, तो यहां पर लिखोगे 25, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 25 आएगा। ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि दोस्तों ये देखोगे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज पैटर्न में ये फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो दोस्तों कि 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम करीब आ गया है, और एग्जाम का मतलब ही होता है दोस्तों प्रैक्टिस होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, इसलिए दोस्तों आपके लिए ये बुक लेके आया हूं, और इस बुक में दोस्तों को प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे जिससे दोस्तों प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इस बुक की बेनिफिट क्या है आइए आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों यहां पर आपको मिल जाएंगे बोर्ड सैंपल क्वेश्चन पेपर फुल्ली सॉल्व्ड, और उसके बाद दोस्तों सेकंड बेनिफिट क्या है, सॉल्व्ड पेपर्स फॉर रिवीजन, और थर्ड बेनिफिट दोस्तों अनसॉल्व्ड पेपर फॉर प्रैक्टिस, और यहां पर दोस्तों सॉल्यूशन फॉर अनसॉल्व पेपर गिवन इन द वेबसाइट, मतलब जो अनसॉल्व पेपर है उसके सॉल्यूशन आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। और ये बुक दोस्तों लेटेस्ट सिलेबस जो अपडेट दिया है सीबीएसई ने उसके हिसाब से बनाया गया है दोस्तों, और ये बुक मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छी बुक है जिससे दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों ये बुक परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, जाके आप परचेस कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट। यहां पर देखोगे 27 है, यहां पर 1 है, यहां पर 8 है, 216, 64, 125, जब ये देखोगे ना आपको दिमाग में आने लगेगा कि 216, 64, 125 कहीं ना कहीं स्क्वायर या क्यूब कुछ आ रहा है, क्योंकि नंबर देखे हुए हैं, राइट। तो यहां पर देखोगे 343, और 343 देखोगे दिमाग में आ जाएगा 7 का क्यूब हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर क्यूब का नंबर हो रहा है, ठीक है। तो देखोगे 27, तो यहां पर 3 का क्यूब हो रहा है, 3 3 9 9 3 27, यहां पर देखोगे 1 का क्यूब, और यहां 8 है तो क्या होगा, 2 का क्यूब होगा, ठीक है। तो यहां पर 1, 2, 3, मतलब ये क्या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, पहले क्या था क्लॉकवाइज था, अब क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो यहां पर 64 किसका क्यूब होगा, 4 का क्यूब होगा, तो यहां पर 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, और यहां पर 216 तो 4, 5 तो ये 6 का क्यूब है, क्लियर हो रहा है। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखोगे यहां पर 343 मतलब 7 का यहां पर क्यूब, ठीक है। अब 729, अब 729 क्या होगा दोस्तों, देखो यहां 7 है, पहले पैटर्न को समझिए पहले अच्छे से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का क्यूब, और ये 9 का क्यूब, ठीक है। तो 8 का क्यूब क्या होगा, 8, 8 = 64 × 8, 8 = 32, 2 यहां पर 3 कैरी चला गया, और यहां पर दोस्तों मल्टीप्लाई प्लस करके 512, ऑप्शन में देख सकते हो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजी सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, ये रहा, इसे देखिए, इस पैटर्न के अंदर भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिसिंग नंबर में, तो क्या करोगे दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे 99 बीच में दिया है और यहां पर 114 दिया है और ये क्वेश्चन मार्क दिया है, दिमाग में बहुत कुछ आएगा दोस्तों कि जैसे दोस्तों यहां पर 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहां पर 20 आएगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते 21 आएगा, लेकिन दोस्तों यहां पर प्लस करोगे तो 99 बिल्कुल नहीं आएगा, देख सकते हो आप 99 बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहां पर देखोगे 7 मल्टीप्लाई 5 35, और यहां पर 6 मल्टीप्लाई 2 12,
114 नहीं आएगा, बहुत बड़े बड़े नंबर दिए हुए। जब बड़े नंबर दिया जाए तो आपको ध्यान रखना होगा कहीं ना कहीं स्क्वायर और कहीं ना कहीं क्यूब का दोस्तों यहां पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो चेक करते दोस्तों यहां पर सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। और 4 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। तो यहां पर 9 लिखता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर 9 प्लस 5 कितना होगा, 14। 14 प्लस 6 20, यार ये कितना होगा, 29। तो यहां पर 9 2 कैरी चला गया, 2 2 4, ये 4 8 और ये 9, मतलब दोस्तों देखिए 99 आ गया। तो यही लॉजिक यहां पर यूज करके देखते हैं हम लोग। तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 49, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो यहां पर 36 लिख लिया मैंने। अब दोस्तों इन सबको प्लस करोगे तो आपको 114 मिल जाएगा, इतना क्लियर हो गया। तो यही लॉजिक यहां पर यूज करते हैं हम लोग। तो यहां पर देखोगे 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 9 मिलेगा, 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 मिलेगा, 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 मिलेगा, तो यहां पर 25 लिखूंगा, और 9 का स्क्वायर करूंगा तो 81 मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए 9 9 18, 18 प्लस 5 कितना होगा 23, और ये क्या होगा 24, तो 4 यहां पर 2 कैरी चला गया। और 8 प्लस 2 कितना होगा 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 कितना होगा 16 होगा। तो यहां पर देख सकते हो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, 164 आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा, लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।